दोस्तों वी एस के वी एस पी यू सी मतलब कि फ्रांस टी टीटे, टी टेन का आप लोगों को आज एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि वीडियो में आप लोगों को कौन से खिलाड़ी अपने टीम में ट्राई करके चलने हैं जो कि स्मॉल लीग में आप लोगों को बहुत अच्छी रैंक दिलवा सकते हैं ग्रांड लीग में आप लोगों को कौन से खिलाड़ी लेने हैं कौन से खिलाड़ी ड्रॉप करने हैं आज का सही कैप्टन वाइस कैप्टन कौन से खिलाड़ी रहने वाले हैं तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो वीडियो को फुल वाइज जरूर कीजिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिसेंट फॉर्म की बात करेंगे दोनों टीम की तो वी की टीम दो ही मैच खेली और दोनों मैच यहाँ पे हार के पहुँच रही है पीयूसी टीम का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो इनकी टीम ने पांच मैच को खेला है जहां पे तीन मैच जीती है दो मैच हारी है अब आपको मालूम होगा पीयूसी की टीम को ना आप लोगों ने देखा होगा यूरोपियन टी टेन में भी खेलते आज से डेढ़ दो महीने पहले ठीक है ये मैच खेला कहाँ पे जाएगा ड्यूरेक्स फ्रांस का ये ग्राउंड रहने वाला है जो कि बैटिंग विकेट बताई जा रही है मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल में ही दिखा देता हूं देखो यहां पे कुछ रिसेंट के मैच खेले गए हैं कल यहां पे पांच मैच खेले गए हैं ठीक है पहले मैच में 150 रन टी मैच में उसके बाद 111 रन उसके बाद 127 रन फर्स्ट इनिंग की बैटिंग दिखा रहा हूँ यहाँ पे 113 रन यहाँ पे 121 रन उसके बाद इससे पहले भी आप आइएगा तो यहाँ पे एक रन देखने को मिल रहा है ठीक है एक रन देखने को मिल रहा है तो बैटिंग के लिए बहुत अच्छी विकेट रहने वाली है एवरेज स्कोर भी जो बताया जा रहा है एक से एक आप मान के चल सकते हो बाकी जो तेज़ गति के बॉलर होते हैं जिनको कि हम लोग पेसर्स कहते हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बारिश के किसी भी प्रकार के कोई चांस है नहीं आप लोगों को बारिश नहीं होनी चाहिए पूरा मैच होता हुआ दिख जाएगा अब देखिए नौ विकेट टोटल गिरे हैं जहां पे आठ विकेट पेसर्स व एक विकेट मात्र स्पिनर्स निकाले हैं तो पेसर्स आप लोगों को सिंगल हैंडली डोमिनेट करते हुए दिख जाएंगे नीचे आते हैं यहाँ पे कुछ टॉप पिक्स खिलाड़ी आप चाहो तो उनका नाम देख सकते हो खैर ये चीज जब मैं आप लोगों को टीम बनाऊंगा तो वहां पे समझा दूंगा उन लोगों का बैटिंग क्रम क्या कुछ रहता है आप ये भी चीज़ चाहो तो यहाँ से देख सकते हो ठीक है हाँ एक छोटा सा काम कर रहे हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाना तो टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा ज्वाइन कर लेना लिंक वर्क ना करें तो सिंपली से क्रिक टू फाइव एट जीरो लिख करके सर्च करके भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो आना तो चार नवंबर का पिंड मैसेज होगा एक बार ज़रूर चेक कर लेना क्योंकि मेरे नाम से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फेक चैनल बनाया हुआ है आज देखो के राहुल का बर्थडे है तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे के राहुल के राहुल तो मेरी वीडियो नहीं देख रहे होंगे फिर भी आप देख रहे हो ना तो आप भी विश कर सकते हो कमेंट बॉक्स में हाँ तो बात करते हैं दोस्त देखो यहाँ पे सबसे पहले विकेट कीपर ऑप्शन है आपको एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताता चलू ये सब जो टी के मैचेज होते हैं ना ई सी एस टी टेन ई सी एस टी टेन स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वालिटी मैचेज भी होते हैं यू ए टी टेन वगैरह जो खेले जाते हैं जिसमें कि आंद्रे रसल क्रिस गेल जो नवंबर में होता है वो सब क्वालिटी बड़े लीग के मैच, मैचेज होते हैं लेकिन ये सब छोटे लेवल के मैच होते हैं ठीक है ये सब मैच काफी रिस्की होता है तो प्लीज आप लोग इसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत किया करो सोच समझ के इन्वेस्ट किया करो ठीक है भाई क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स वगैरह कोई मैटर नहीं आता है यहाँ पे ना 90% परसेंट लक मैटर आता है और सब मैचों में ना 90% परसेंट स्किल्स मैटर करती है यहाँ पे 90% परसेंट लक मैटर करती है तो इस चीज़ का ध्यान रखना यूरोपियन टी में हम लोगों ने बहुत अच्छा विनिंग की थी लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ ना कि ये सब जो मैचेज होते हैं ना भाई रिस्की होता है कब क्या हो जाए कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है विकेट कीपर ऑप्शन से बात करते हैं तो मैंने भाटी को अपने टीम में ट्राई किया वैसे बैटिंग क्रम इनका नीचे रहता है तीन मैच में छब्बीस एवरेज पॉइंट दस मैच से छः मैच में ड्रीम टीम में शामिल होते हैं पिछले दोनों मैच में बहुत बड़ा देखो पॉइंट नहीं देते हैं और ज़्यादातर ये पॉइंट विकेट कीपरिंग से देंगे क्योंकि बैटिंग क्रम की बात की जाए तो भाटी का बैटिंग क्रम भाई पाँच नंबर पर रहने वाला है ठीक है तो बतौर विकेट कीपर के लिए मैंने टीम में ट्राई किया है अगर आर शिव कुमार की बात की जाए अगर इनके बैटिंग क्रम की बात की जाए ना तो इनका भी भाई बैटिंग क्रम नीचे ही आठ नंबर नौ नंबर पे शो हो रहा है ठीक है तो भाटी को ही लीजिए आप लोगों ने इनको देखा होगा यूरोपियन टी में भी खेलते हुए ये आपको विकेट कीपरिंग से ही पॉइंट दे सकते हैं बैटिंग के चांसेस काफी कम है बैटिंग सेक्शन से बात करेंगे आपको एक खिलाड़ी देखने को मिल रहा है सुवेंथिरन शांति कुमारन ठीक है नाम तो बहुत बड़ा है काम देखिए इनका दो मैच इक्यावन एवरेज पॉइंट दस में से दस मैच में ड्रीम टीम में शामिल लगभग दो विकेट का पॉइंट आप इनसे एक्सपेक्ट करके चल सकते हो पिछले मैच में देखिएगा थर्टी फोर पॉइंट उससे पहले सिक्सटी एट पॉइंट हम लोगों को एज अ फैंटेसी प्लेयर पॉइंट से ही मतलब होता है ठीक है तो ये खिलाड़ी मैं कहूँगा टीम में लेके चलिए क्योंकि बैटिंग क्रम इनका टॉप ऑर्डर रहने वाला है जेड इकबाल की बात करते हैं अब ये बंदा देखो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है जहाँ पे तीन मैच में 36 एवरेज पॉइंट 10 में से छः मैच में ड्रीम टीम में शामिल होते हैं पिछले मैच से टोटली फ्लॉप हो गए थे बैटिंग से लेकिन बॉलिंग से इन्होंने दो विकेट निकाल लिया था उससे पहले देखिएगा पहले मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस था और बैटिंग कम इनका अच्छा है इस वजह से मैं टीम में लेकर चल रहा हूँ एम गुलामी तीन मैच अट्ठाईस एवरेज पॉइंट जहाँ पे सा छाछठ फीसदी मतलब कह सकते हो दस में से छः मैच में ड्रीम टीम में शामिल होते हैं स्टार्टिंग के दोनों मैच में इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है और बैटिंग विकेट रहने वाली है ना और एम गुलाम की अगर बैटिंग कर्म की बात की जाए तो वन डाउन खेलेंगे तो बैटिंग क्रम भी इनका बहुत अच्छा है तो टीम में ज़रूर लेके चलिए क्योंकि 130 वाला ग्राउंड रहने वाला है तो 30-40 करके कभी भी दे सकता है बंदा आपको बाकी यू शाहिद को मैंने अपने टीम में ट्राई किया है जिन्होंने तीन मैच में 21 एवरेज पॉइंट दिए हैं दस मैच से तीन मैच में ही ड्रीम टीम में शामिल रहते हैं पहले मैच में ही परफॉर्मेंस आ जाता उसके बाद दोनों मैच में फ्लॉप हुए लेकिन अच्छी बात यह है कि ओपन करेंगे प्लस अगर एक ओवर की बॉलिंग दे देते हैं और उसमें एक विकेट दे देते हैं तो बहुत बड़ा काम आपको करके दे सकते हैं के शिव कुमार की बात करते हैं दो मैच में पैंतीस माफ कीजिएगा बत्तीस एवरेज पॉइंट अगर शिव कुमार की बैटिंग की बात की जाए तो बंदा ओपन करेगा ठीक है तो आपके पास एक विकल्प है या तो आप शाहिद को ले लीजिए या तो आप शिव कुमार को ले लीजिए जिसको लेना है आप ले सकते हो मुझे पीयूसी की टीम ज़्यादा मजबूत लग रही है तो इस वजह से मैं शाहिद के साथ जा रहा हूँ क्योंकि बैटिंग गर्म दोनों का अच्छा है भाई शाहिद भी ओपन करेंगे शिव कुमार भी ओपन करेंगे तो बैटिंग आने के दोनों के चांसेज़ रहने वाला है बाकी इकबाल को मैं ड्रॉप करूँगा नहीं क्योंकि ये बॉलिंग करते हैं तो शाहिद ग़ुलामी और शिव कुमार में से देख लेना आपको अपने टीम में किसको लेके चलना है बाकी ये सब ग्राउंड लीग वाले खिलाड़ी हैं नीचे जितने दिख रहे हैं ऑलराउंडर से सैफी इंपॉर्टेंट है यूरोपियन टी में भी इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था जहाँ पर तीन मैच में अभी सतासी एवरेज पॉइंट और हंड्रेड का ड्रीम रेशियो है लगभग तीन विकेट का ये आपको पॉइंट दे सकते हैं तो इंपॉर्टेंट है पिछले मैच में बैटिंग से परफॉर्मेंस उससे पहले बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन उससे पहले भी बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन और डब्ल्यू सिंह की बात करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है देखिएगा आप तीन मैच में लगभग सत्तर पॉइंट पिछले मैच में तीन विकेट निकाल के आ रहे हैं ठीक है uh, उससे पहले देखिएगा दो विकेट उससे पहले बैटिंग से थोड़ा बहुत योगदान दिए थे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा क्योंकि दो दो ओवर बॉलिंग करेंगे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है uh, प्रयाकंजन प्रिया भाकरन की बात करते हैं नाम इनका भी बहुत देखिएगा टफ है दो मैच में इकतालीस एवरेज पॉइंट पिछले मैच में एक विकेट निकाल के आ रहे हैं उससे पहले भी एक विकेट निकाल के आ रहे हैं ठीक है तो इनको भी मैं टीम में लेके चल रहा हूँ दो बार इनसे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाकी जेड अली को मैंने अपने टीम में ट्राई किया तीन मैच में तिरपन एवरेज पॉइंट जहाँ पे पहले मैच में ही इन्होंने परफॉर्मेंस तगड़ा वाला दिया है उसके बाद दोनों मैच में फ्लॉप हो गए ठीक है, है और पहले ही परफॉर्मेंस के बेस पर इनका पॉइंट अभी देखिएगा मेंटेनेंस चल रहा है तिरपन पर अगर दोनों मैच में पॉइंट दिए होते हैं एटी प्लस इनका एवरेज पॉइंट हो सकता था अच्छी बात यह है कि आप लोगों को बॉलिंग करके देने वाले हैं तो इनको तो मैं ड्रॉप करने का सजेस्ट करूँगा ही नहीं लेके चलिए क्या करना है भाई आ, अब देखो बॉलिंग सेक्शन से एक चीज़ ध्यान देना ये जो खिलाड़ी हैं ना अनवरी को पहले मैं टीम में ट्राई किया हूँ पहले इनके बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ अनवरी से मैं कम से कम एक विकेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ देखिएगा पिछले मैच में दो विकेट निकाले हैं एक विकेट वाले बॉलर हैं एवरेज पॉइंट के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो पच्चीस तीस वाले पॉइंट वाले बॉलर हैं अब आर गुनस क्या नाम है इनका ऋतुरासन गुन गुनारसा को मैंने टीम में ट्राई किया अब देखो हाँ ये तो वैसे फ्लॉप खिलाड़ी अभी तक दिख रहे हैं लेकिन बैटिंग क्रम इनका पाँच नंबर दिख रहा है ठीक है तो अगर वी एस के की टीम फर्स्ट बैट करे तो ये बैटिंग क्रम भी ऊपर आ सकते हैं बैटिंग करने प्लस दो ओवर के बॉलिंग आप इनसे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं तो इस वजह से फिलहाल मैंने इनको ट्राई किया लेकिन हो सकता है बैटिंग क्रम इनका ऊपर नीचे हो क्योंकि ये कोई क्वालिटी वाली टी की लीग नहीं है ठीक है भाई तो अफरीदी का विकल्प है अगर यूसी की टीम फर्स्ट बॉल करे तो आफरीदी आप लोगों को देथ में अपने ओवर कर सकते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एक और खिलाड़ी हैं जो भी नाम है भैया आप ही ऐसा करो नाम पढ़ लो ठीक है महादेवन इनका कोई नाम है बहुत लंबा अब इनके पॉइंट की बात की जाए तो इन्होंने भी कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं किया सेकेंड इनिंग में चाहो तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हो तो फिलहाल कुछ इस प्रकार की टीम बन के रेडी हो रही है जहां पर सेफ कैप्टन तो सैफी है वाइस कैप्टन डब्ल्यू सिंह के साथ जा रहा हूँ और कुछ ये खिलाड़ी आप लोगों को मेरी टीम में देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे सेफी कैप्टन वाइस कैप्टन डब्ल्यू सिंह है टीम का प्रिव्यू आप देख सकते हो और आफ्टर टूस तो जो भी अपडेट आएगा ना टेलीग्राम पे कर दूंगा तो आ जाना डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स को खंगाल लेना वर्क ना करे लिंक तो क्रिक टू फाइव एट जीरो लिख करके सर्च करके आ जाना आप पिंड मैसेज जरूर चेक कीजिएगा बाकी कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी इन्वेस्ट प्लीज कम कीजिएगा ठीक है भाई क्योंकि रिस्की मैच होता है ये सब तो मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर